कैसे सफलता मिली है सर? दरअसल 11 मार्च को यहाँ लखीसराय में अरुण सिंह की हत्या हुई थी, गोली मारकर उनके घर पे ही अपराधी द्वारा की गई थी। उसमें प्राथमिकी नामजद अभियुक्त थे दिलन सिंह और उनके साथ और सहयोगी। तो कांड के अनुसंधान में ही दो बुक शूटर का नाम आया था, सूर्या और गौतम, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तकनीकी सेल और टाउन थाना प्रभारी को जिम्मेवारी दी गई थी कि उसको पकड़ना है। तो आज काफ़ी दिन से इस पर काम हो रहा था, इसी क्रम में आज बाढ़ से इन दोनों की अरेस्टिंग हो गई। एक का नाम सूर्या और सपना पिता फतेह सिंह, दूसरा गौतम पिता मनोज शर्मा, दोनों बाढ़ के बिढ़ना मतलब पोथमा गांव के मतलब पोथमा के रहने वाले हैं दोनों। और दोनों शूटर इन दोनों को 50,000 पे राजेश कुमार, जो ढिलन सिंह का भगना लगता है रिलेशन में, उसके द्वारा हायर किया गया था कि आपको एक काम करना है लखीसराय में, जिसके एवज में आपको 50,000 रुपया दिया जाए। और यहाँ आने के बाद उनको रुद्रल यादव और मनीष और बाकी जो अन्य प्राथमिकी अभियुक्त हैं और जो लाइनिंग का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा इसको हथियार दिया गया। और इसमें ऐसे टुट्टू सिंह और उसके साथ पीयूष था और गौतम और सपना जो सूर्या है, इसको अंदर अरुण सिंह की हत्या करने के लिए मुख्य सुपारी के रूप में दिया गया। उसी क्रम में गौतम और ये सूर्या अंदर जाकर गोली चलाए थे और भागने में मनीष उनीस जो सहायता किया, जो मनीष और टुट्टू सिंह पहले अरेस्ट होकर चले गए हैं और इन दोनों शूटर की काफ़ी दिन से तलाश थी और इसी के लिए इनको। ढिलन सिंह का भागना कहाँ का रहने वाला था जो शूटर को हायर किया था सर? बता रहे हैं जैसे राजेश सिंह को अरेस्ट करके हम लोग ने पहले ही भेज चुके हैं। और राजेश सिंह जब इन लोगों का सारा प्लानिंग हुआ तो ये दोनों ट्रेन से यहाँ लखीसराय आए और रुद्रल यादव इनको रिसीव करके ढिलन सिंह के घर पे जो टाउन में स्थित घर है वहाँ ले गया, वहाँ हथियार इनको दिया गया। बाद में काम होने के बाद इनके द्वारा हथियार मनीष को दे दिया गया था और हम लोग हथियार के लिए भी छापेमारी कर रहे हैं, चूँकि मनीष भी अरेस्ट होकर चला गया है। और सारा जो मारने का मेन प्लानिंग हुआ था ढिलन सिंह के घर पे ही बना था, ये लखीसराय स्थित था। इन लोगों ने ढिलन सिंह के स्वीकार किया कि ढिलन सिंह इनके द्वारा बताया गया कि राजेश सिंह द्वारा इनको पैसा दिया गया और राजेश सिंह ने बताया कि काम किया। और राजेश सिंह को जब हम लोग पकड़ के भेजे तो ढिलन सिंह का ही द्वारा सारा चीज़, और इनके द्वारा एक्चुअल में जो घर जिस घर को लोकेट किया गया वो घर ढिलन सिंह का है, जिसका कुर्की हम लोगों द्वारा कल किया गया। तो अब तक ये साफ हो गया है कि ढिलन सिंह के ही सारे परमेश सिंह के, उसमें बहुत सारा साक्ष्य है, राजेश भी पकड़ा गया है, टुटू सिंह भी पकड़ा गया है और इनके द्वारा भी इस चीज की स्वीकार। राजेश कहाँ का रहने वाला? राजेश मोकामा का रहने वाला है। और कुछ बरामद के लिए ऐसा नहीं, और हम लोग हथियार के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जैसे बरामद आराम से फुटवा दी तो ले लो, थोड़ा लग लो, एक काम कीजिए पहले फोटो लोगों को ले।